हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज ऐसा कुछ हो गया हुआ यू कि जो मेरे बेटे का स्कूल बस जो था उसका टाइम था 5 बजे सुबह में, और जो आज हम लोग गए तो 5 बजे से पहले बस छोड़ चुकी थी, तो आज स्कूल नहीं जा पाई बस से। और उसके बाद जो है मैंने मोटरसाइकिल लिया और स्कूल उसको पहुँचा दिए, तो ये बात हुआ था आज। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि ठीक है, मैं स्कूल जाता ही हूँ तो वहाँ एक काम भी कर लूँगा, तो मैंने मार्केट भी गया, स्कूल के बगल में मार्केट है, तो वहाँ से मैं चूना लेकर आया हूँ। दोस्तों, चूना क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि सर सफाई में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बकरी का खोर है, जैसे कि हाँस का खोर है, बत्तख का खोर है, तो उसमें समय समय पर हमें जो है चूना छिड़कना पड़ता है सर सफाई के लिए, जो कीटाणु है उसको रोकने के लिए। तो क्यों छिड़कते हैं, कैसे छिड़कते हैं, ये हम दिखाने जाते हैं, और हम लोग जो स्कूल गए हैं वो सीन भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अवश्य ही, और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं विषय वस्तु में। दोस्तों, तो आज बेटू का स्कूल बस छूट गया, तो चलते हैं आज मोटरसाइकिल से। ओके, आ जाओ इतना जल्दी से आ जाओ, बस छूट गई है तो आज बाइक से मैं ले जा रहा हूँ। ओके, चलिए बैठो। ठीक है, बैठ गया है, चलिए मोबाइल पकड़ो। ठीक है, जब मैं बेटू को स्कूल छोड़ दिया तो उसके बाद मैं दुकान में चला गया चूना लेने के लिए, और चूना लेकर के हम घर आए हैं। देखिए कैसा है ये दृश्य। जब मैं चूना के दुकान में गया तो बहुत थोड़ा सा ही चूना बचा हुआ था, पहले तो बहुत रहता था नहीं, और आज जो है कुछ थोड़ा था, तो मैंने 25 केजी का सिलेक्शन किया और उसको ख़रीदा और उसको बाइक में बांध करके और जो है मैं घर आने लगा। देखते हैं, मेरा बाइक में 25 केजी का चूना रखा हुआ है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ड्राइव करते हुए मैं घर को चला आया और चूना जो है बहुत सेफली साथ जो है घर पहुँच गया। आप ये दृश्य देख रहे हैं, तो जो है चूना 25 केजी जो है उतना ज़्यादा तो नहीं है, उठा पाते हैं, बहुत अच्छा से देख रहे हैं, घर आ चुके हैं और चूना जो है सेफली पूर्वक आ चुका है घर, और अब जो है छिड़काव करना है चूना का जहाँ भी कीटाणु रहित करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब छिड़काव करते हैं। ओके दोस्तों, अब चूना क्यों छिड़कना चाहिए हमें अपने घर के अगल बगल में, उसके बाद है बकरी के खोर में और जो है बत्तख का खोर में, तो उससे क्या होता है, यदि खोर गीला हो तो उससे क्या होता है, कीटाणु का जो उत्पादन होता है, इसीलिए उसको सफा रखने के लिए कीटाणु रहित हो और सफाई सर सफाई हो, सफा रहे, तो इसलिए जो है जीव जंतु रोगी न हो, इससे बचे, रोग से बचे, इसीलिए कीटाणुओं को सफाई करता है चूना। और ये चूना मैंने कैसे प्रयोग किया ये दृश्य में दिखाने जा रहा हूँ, एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब चूना का छिड़काव करते हैं घर के अगल बगल में, और चूना को ले लेते हैं। सबसे पहले जो बकरिया का गोट है उसमें हम चूना का छिड़काव कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से छिड़काव कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि बकरिया बिरामी नहीं पड़ती हैं और जो है कीटाणु रहित होता है गोट। उसके बाद जो है घर के अगल बगल में भी छिड़के हैं, उसके बाद जब बत्तख के खोर में गए तो वहाँ पर अंडा मिला। ओके, मुर्गी का अंडा, तो अंडा रख लिए और छिड़काव शुरू कर दिए चूना का, देख रहे हैं आप।
चूना का छिड़काव करने से यदि खुर गीला हो तो कीटाणु रहित होता है, कीटाणु को मार देता है चूना। और ये चूना जो है बाज़ार में आप बहुत पा सकते हैं, खरीद सकते हैं जहाँ तहाँ। तो देखते हैं घर के आगे में भी मैं चूना का छिड़काव कर रहा हूँ, इससे क्या होता है तो चूना जो है कीटाणु को मार देता है और सेफ रहता है। हाँ, वैसे तो स्वास्थ्य में असर नहीं पड़ता है, सर सफाई करना ही चाहिए। घर के अगल बगल में भी छिड़काव किए हैं मैंने और जहाँ बकरियाँ बैठते हैं दिन में वहाँ पर भी छिड़काव किए हैं। देखते हैं नीचे खाट के ऊपर में भी छिड़काव किए हैं और छिड़काव करने के बाद आप देख रहे हैं दृश्य छिड़काव की, जब करेंगे तो ऐसा दृश्य आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये छोटा वीडियो आपको कैसा लगा अपना विचार कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पहली बार इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। तो ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट तो अवश्य कीजिएगा और जो है नेक्स्ट वीडियो में और विषय वस्तु के साथ में हम फिर आएंगे। अभी के लिए बाय बाय।